तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिसल मैथमेटिक्स क्लास 8 की गतिविधि पत्रक के बारे में। 19/8/2023 आज की डेट है। उपदेश क्या है? घन के संप्रयत की परिचित करना, यहाँ पर आपका उपदेश है यहाँ पर हमारा इस वर्कशीट में। और पैमाना आपको चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए। और सभी आपको निर्देश क्या है? आपको निर्देश यहाँ पर यह दिया गया कि आपको अपने आसपास की चीज़ों के देखना है, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई और उनकी ऊंचाई लिखना है और बताना है कि ये तीनों चीज़ें सेम है कि नहीं है। अगर सेम है, एक जैसी हैं, तो ये क्या कहला जाएंगे? ये कहला जाएंगे आपके घन, है ना। अगर तीनों एक जैसे बराबर होंगी तो घन हो जाएंगी, अगर नहीं है तो घनाभ हो जाएगा। अब मान लो जैसे आपका कक्षा, जिस कक्षा में आप बैठे हो, ये कक्षा की लंबाई जो है वो कितनी है? 10,000 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है आपकी? मान लो 5,000 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई भी आपकी कितनी है? 5,000 सेंटीमीटर है। तो आप देखोगे तीनों क्या है? अलग अलग है। तीनों क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे तीनों का मान जो होगा यहाँ क्या होगा? मान अलग होगा, अलग अलग है, ठीक है। तो आकृति कैसी हो जाएगी? घनाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये घनाभ हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको आपके इरेजर की देखनी है, इरेजर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिखकर लिख देना तीनों एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं, और वो बता दे घनाभ होगा। इसी तरीके से आपको अपने पेंसिल बॉक्स की कर लेनी है, अपने आसपास जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, उन सब की आपको ऐसे ही लंबाई चौड़ाई निकालनी है। और निकालने के बाद इसे क्या है? निकालने के बाद इसे जो है बताना है आपको। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष ये निकलेगा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर तीनों बराबर होती है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है घन। और इसी घन को बोलते हैं हम लोग क्यूब, है ना। तो यही निकालना अब हमने आगे सीखना है पूरे के पूरे चैप्टर में। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, बाय।